दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं व्हाट इज द डिफरेंस एनी आंसर यू कैन पुट मतलब अभी तक सोचा ही नहीं कि ये दो अलग अलग क्यों नाम है हाँ yeah, बिल्कुल कितना रिसोर्स हम एक्सेस कर सकते हैं कितना प्रोटेक्टेड एरिया रख सकते हैं उसके ऊपर है यस yes.

एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो भी प्रैक्टिस बट नैशनल पार्क में एग्रीकल्चर कैनॉट भी प्रैक्टिस्ड बहुत लोग मुझे आंसर देते हैं मैडम नेशनल पार्क बड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एरिया वाइज इसकी कोई चीज नहीं है बट हाँ अपग्रेडेड वर्जन इज नेशनल पार्क एनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन भी अपग्रेडेड एंड गिविन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क बट नो नैशनल पार्क कैन बी डीग्रेडेड एंड मेड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिक डिफरेंस ओके एरिया का कैटेगरी नहीं होता हाँ एरिया का कैटेगरी नहीं है सी कर सकते हैं अगर जरूरत तो पड़ी देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है कैटेगराइज नहीं है है एक्सेसिबल कल को ऐसा लगा कि ये एक्सेस नहीं होना चाहिए कॉन्जर्वेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो उसको वाइल्ड नेशनल पार्क बना के उस पर्टिकुलर एरिया को कोर एरिया दे देंगे नाम ताकि कोई भी एक्सेस ना कर सके तो ऑटोमेटिकली रिजुविनेट हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा सो पर्पस डिफाइन करता है कि आप उसको क्या स्टेटस देते हो ठीक है सो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर बैच में वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द होल ऑफ ज्योग्राफी एज यू नो यू आर गोइंग टू जॉइन और जॉइनिंग अ क्रैश कोर्स टाइप ऑफ कोर्स है ना सो so यहां पे वी विल बी सीइंग द कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर ये आपको बहुत लोगों ने बोला होगा आपने बहुत जगह सुना होगा पर किया नहीं होगा है ना सो एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर से आपको क्या पता चल जाता है कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं वॉट इज द थीम व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन विच द यू पी एस सी इज आस्किंग सी जोग्राफी एज अ वास्ट सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के बारे में यही बात है कि ज्योग्राफी का वास्ट सिलेबस है अब वास्ट सिलेबस में आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए बट ड्यूरिंग द चाहिए कि इस जगह से क्वेश्चन आते ही है so, वो एक हम में करके चलेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन वो फाइव ईयर्स सिक्स डाउन द लाइन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे मिस ना हो ओके सो जोग्राफी एनवाइ दो मतलब सब्जेक्ट आर इंटर रिलेटेड सी

So, अगर कोटा में नेशनल पार्क है इसका मतलब फॉरेस्ट है और अगर फॉरेस्ट है तो वहां की रेनफॉल उसको डिफाइन करती है करती है ना सो so, आपको एक क्लाइमेटिक पैटर्न अगर नहीं पता होगा तो आप नेशनल पार्क भी नहीं बता सकते प्रॉपरली और अगर आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है सो बर्ड सेंचुरी के लिए क्या चीज जो है वो कंपल्सरी होनी चाहिए वहां तभी वो बर्ड सेंचुरी बनेगा वाटर <laughs> बॉडी तो आपको माइग्रेटरी बर्ड्स भी नहीं दिखेगी फॉर एग्जाम्पलिंग के saline, uh, lakes में, आपके खाटू लेक में देर आर बर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड सोमालिया सो यहाँ से आपको क्या पता चला दिसमेंट वॉट दिसमेंट टेल्स नहीं दिसमेंट देयर मज बी समय

कितना मैंने प्रिपेयर किया तो कितने चांसेस बढ़ जाते हैं so, तो वो एक एक्सपेक्टेशन के बारे में वी विल टॉक ओके ओके सो दिस वन इज योर ईयरली एनालिसिस इफ यू सी 2015 से 2023 तक आते आते बहुत बार फिगर्स चेंज हुए लेकिन कोई भी फिगर आप देखोगे 19 के नीचे नहीं गया so, 2018 वाज़ द ईयर जब लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे कहाँ से जोग्राफी एंड एनवायरमेंट वो भी अराउंड ट्वेंटी परसेंट है कितने क्वेश्चन आते हैं प्रिलिम्स में हंड्रेड मतलब ट्वेंटी परसेंट एक ही से आ गया तो so, समझ लो कॉस्ट टू एंड बेनिफिट एनालिसिस यही समझ में आ जाना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना टाइम प्रोवाइड करना है अब देखो लास्ट ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन दिस इज द लास्ट फाइव ईयर एनालिसिस तो वाई दीज क्वेश्चन आर गेटिंग इंक्रीज और वाई वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज ठीक है एंड वर्ल्ड ओवर में वी आर गेटिंग कॉन्फ्रेंस सी हो रहे हैं अभी एक सीओपी हुआ है दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है नए नए टर्म्स नए नए टर्मिनोलॉजीज के बारे में वर्ल्ड लीडर्स बात कर रहे हैं जिनपे इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है बातें बहुत ज्यादा क्लाइमेट टूरिस्ट बोलते हैं हम इन लोगों को जो चीज वर्चुअली हो रही थी कोविड के टाइम पे वो अभी विजिट करके हो रहे हैं

सो so, जो रिक्वायरमेंट रांची की होगी वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट विधर्भ महाराष्ट्र की नहीं होगी वही पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपके बुंदेलखंड की नहीं होगी है ना सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पिक वॉट सूट योर डिस्ट्रिक्ट योर कार्डर सो बिफोर प्रेपरेशन स्टार्ट या बिफोर योर प्रिलिम यू गो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट बिहेव एज अ ब्यूरोट देन ओनली यू विल थिंक अभी आप क्या करते हो यू जस्ट सी ओनली द प्रॉब्लम्स बट प्रॉब्लम्स के साथ साथ इफ यू ऑल्सो टॉक अबाउट सोल्यूशनली यू हैव क्वालिटी बेस्ड होना है ओके सो फाइव ईयर के एनालिसिस अगर आप देखते हो तो अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन आपको इस एक ही सब्जेक्ट से मिल जाएगा बट इतना ईजी नहीं सोचना इसको क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है ओके एंड नाउ इफ यू सी सेक्शनलिस कौन से कौन से चैप्टर uh, से या कौन से कौन से एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं आप मेरे को बताओ कितने लोग मैप में कम्फर्टेबल है एटलोन आई सेंस आई कैन सेंस दैट फ्रॉम द वे यू टॉक नो बडी एल्स ओके सी नहीं कोई बात नहीं है बट आगे भी नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ओके सो एटल थर्ली आना चाहिए हमें कौन सी एटलस खरीदे मैडम सबसे पहले ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ओरिएंट ब्लैक स्वान की स्कूल एटलस इज द बेस्ट एटलस फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंक्लूडिंग योर यूपीएससी ओरिएंट ब्लैक स्वान की स्कूल एटलस स्कूल लिखा हुआ रहेगा उसमें ठीक है दो रुपए की एटलस आती है अगर है भी तो वो भी खरीद लेना इतना चल जाएगा ओके okay? सो so, जब आप एटलस देखते हो या आप फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी स्टेइंग हियर इन योर पीजीज और

एक्टल अगर प्रॉपरली नहीं आता है यू कैन नेवर क्रैक्रफी क्लियर हो भी गया किसी दूसरे हंड्रेड मार्क्स का जोग्राफी आता है पेपर वन में एंड पेपर थ्री में अराउंडी प्लस और अगर एनवाइ भी ले लोग प्लस सो एक एग्जाम जहां पे ढाई सौ ढाई सौ नंबर के चार पेपर हैं उन पेपर्स में 250 मार्क्स का सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है एंड फॉर क्रैश कोर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेस्टर्ली विंड्स। हिमालय क्या आप मेरे साथ साथ चल पाए कुछ लोग चल पाए

प्लेस इज गेटिंग टॉक्ट अबाउट की इंटेंसिटी यहाँ अर्थक्म थी, कम थी plate tectonics, कुछ भी आप बात कर लो यूलशन एंड अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो कॉन्सेप्ट में तो फायदा होगा ही तीन क्वेश्चन हर साल प्रिलिम्स में आंसर भी कर पाओगे विच इज नॉट वेरी टफ टू आंसर ठीक है एलिमिनेशन प्रोसेस से आंसर हो जाता है कैसे होगा वी विल डिस्कस दैट ठीक है हमने रेजिस्लेशन के बारे में बात की ना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस के बारे में बात की ये एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ने दिया है हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवेंटी टू ने उसके बारे में पता होना चाहिए रिलेटेड लेजिस्लेशन हर साल क्वेश्चन है ठीक है देन वी हैव ग्रीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एवरी ईयर मैंने बताया क्लाइमेट टूरिस्ट देर टॉकिंग एंड दे दे टॉक डिस्कवर सम ऑफ द न्यू टर्म्स एंड दे विल बी आस्किंग यू टर्म्स ठीक है then we have energy and mineral resource. suddenly, after covid, we are seeing that there is a too much talk about renewable sources of energy. Okay? india is very serious about hydrogen fuel. india is very serious about ethanol, methanol blending. india is very serious about solar energy. and we are is the leader in the solar initiative in the world because we come in the tropical zone. again, map pointing. क्यों हम ट्रॉपिकल है, हाँ है। so ट्रॉपिकल रीजन में है ट्रॉपिकल रीजन में होने का मतलब एनी वेयर सोलर एनर्जी हमारे कंट्री में काम करेगी नाउ इफ आई यू विच आर अदर कंट्रीज जहां सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी सो यू मस्ट बी नोइंग द टॉरेट जोन कंट्रीज इज एन डेड इफ आई से हो सकता है बहुत दूर है सनरेइज नहीं पड़ती है you, Congo, Malaysia, Brazil, ये सारी क्या वॉट आर दोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क बाय रिजर्व the protected areas every year they have a question pollution जहाँ आप बैठे हो वो पॉल्यूशन का केंद्र है ठीक है दिल्ली, कितना AQI आज हंड्रेड इज क्यू आई तो पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पॉल्यूशन रिलेटेड पॉलिसीज़ जो बन रही हैं, बन रहे हैं, या पॉल्यूशन किससे होता है फॉर एग्जाम्पल पास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इनसे रिलेटेड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड

नहीं कर पा रहे सो so, कोई पर्टिकुलर फ्लोरा एंड को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई है, या वी हैव अ रेड लिस्ट, इज़ गिवन नेचर वो भी हमें काउंटिंग बताती है कि जी आपके टाइगर्स चार हजार बचे आपके एलिफेंट्स छह हजार बचे आपके राइनोस बचे ही नहीं है नहीं बचाओगे तो गायब हो जाएंगे तो दीज क्वेश्चन के लिए आई एल टेल थिंग

प्लेट इज नथिंग बट पीस ऑफ रॉक इस पे आप बैठे हो खड़े हो ये कोई प्लेट है और इस प्लेट का नाम क्या है इंडियन प्लेट आप इंडियन प्लेट पे बैठे हो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो क्या है रॉक्स और ये कुछ एक किलोमीटर तक होगा अस्सी सौ मैक्सिम उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा लावा देर इज अ लावा जोन तो लावा के ऊपर जो रॉक्स फ्लोट हो रही है वॉट इज दैट प्लेट ठीक है अब आपने मूवमेंट बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स का तो आप बताओगे कि वो जो लावा मूव हो रहा है वो प्लेट को भी मूव कर रहा है बता दिया फिर मैंने बोला कन्वर्जन बाउंड्री बताओ इंडियन प्लेट का ही ले लेते हैं कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है तो वहाँ एक क्या बन रहा है कन्वर्जिंग नेचर बन रहा है कन्वर्जन बाउंड्री बन रहा है बता दिया आपने जब आप आंसर लिखते हो तो आपको सारे कंसेप्ट लिखने पड़े कंसेप्ट के साथ साथ यू ऑल्सो रोट द नेम्स ऑफ द प्लेट एग्जाम्पल द मैगमाप्लोरी कन्वेक्शन करेंट आपने क्या किया वो सारे वर्ड्स में यूज किए विध द मैप इन जोग्राफी का एंड इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग स्मॉल डायग्राम और मैप दैट इज इनकम्प्लीट मैडम ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी में डायग्राम चाहिए होगा यस yes. अगर रैंक लानी है तो यस yes. पीछे रहना है रिजर्व लिस्ट में रहना है और उससे भी बाहर चले जाना है तो नो no.

पूरे दिन में टाइम निकाल के एक आंसर या दो आंसर जरूर जरूर भी लिखो नॉट ओनली ऑनलीफी सारे सब्जेक्ट्स का इससे क्या होता है Concept बने रहते हैं आपको आदत पड़ी रहती है उन उन वर्ड्स को को चीजों यूज़ करते रहने की. एक महीने पहले स्टॉप मत कर दो कि हमारा प्रॉब्लम आने वाला है सो विल नॉट राइट आंसर फाइव इलेक्टर क्वेश्चन आते थे कितना बदल गया हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वैल्यू कितनी बदल गई हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिकॉज मेजर जो एक्सपोर्टर्स है वो क्या है वॉर लड़ रहे हैं तो यहाँ बिजनेस कौन बना रही है हमारी जैसी कंट्री पूरे दुनिया में रिसेशन चल रहा है स्टॉक मार्केट किसका ऊपर जा रहा है इंडिया का सो देर आर सम समीजन इन ये रीजन है जिनकी वजह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्लास विद्रेनेज सिस्टम आर दिंग जहाँ सिविलाइजेशन हो सकते हैं वहाँ से दूर हुए तो प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जैसे लोग होते हैं जिनको पढ़ा लिखा होना पड़ता है ताकि वो सल्यूशंस निकाल सके है ना तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स ये हमने एनालिसिस भी करी है कि इनसे क्वेश्चन पक्का आते ही हैं तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ड्रेनेज है तो टिप्स पे होनी चाहिए गंगा का स्टार्टिंग अलकनंदा इज अ रिवर सो व्हाट इज द इमर्जिंग ट्रेंड सो इमर्जिंग ट्रेंड में देर आर

फॉर एग्जाम्पल आप ही के स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं यू एबल टू कनेक्ट मोर राजस्थान में वॉट इज द डोमिनेंट क्रॉप क्या क्या उग रहे हैं आज जा फार्म ज्वार बाजरा ओके वेरी गुड और व्हीट एंड राइस भी हो रहा है राजस्थान में है ना इसका मतलब क्या है ज्वार बाजरा ड्राई क्रॉप्स है कम पानी में उग जाते हैं इसीलिए राजस्थान से हमेशा ही जुड़े हुए हैं राइस थोड़ा सा वाटर वाली इंटेंसिव इंडस्ट्री है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है इसका मतलब क्या है हमें पता है कि राजस्थान में पानी कम है तो क्या अच्छा है, कि आ जा रहा है? Soil. Soil और rainfall, दो ही चीज पे कोई भी क्रॉप डिपेंडेंट होती है अगर रेनफॉल अच्छा नहीं है तो या तो इरीगेशन फेसिलिटीज मिली होगी या सॉल अच्छा है अगर सॉयल अच्छा नहीं है तो या तो सॉयल में फर्टिलाइजर डला होगा एंड रेनफॉल अच्छा इस तरह सोचना है समझ में आ रहा है इस तरह सोचोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे रटना नहीं है कंसेप्ट बेस में याद करना है तो सब कुछ चलना है अब ज्वार बाजरा क्यों अगर मैं एक छोटा सा यहाँ टर्म लिखूं देखो आई एक्सप्लेन यू वन स्मॉल थिंग मैंने लिखा बाजरा की स्पेलिंग इन्होंने बोला बाजरा सो आई रोट बाजरा क्या हो रहा है इमेजिन दिस इज रा ओके So, Bajra is 20, 20 40, 40 60, 30 50 में कौन हो जाता है ज्वार और 60 से 70 में रागी तो रेनफॉल क्या राजस्थान में 60 से ऊपर जाती है इसी इंफॉर्मेशन से बता सकती हो नहीं जाती है तो रेनपाल किस कितने uh, cm तक वैरी कर रही है राजस्थान में 22 60 और ये 60 कहाँ हो रहा है प्रतापगढ़ और ये 20 कहाँ हो रहा है बिल्कुल थार डेजर्ट में समझ में आप so, तो इस थॉट के साथ पढ़ना है रट्टा नहीं मारना है ऐसे कंसेप्ट बेस में जाना नेक्स्ट आपकी जो थीम आ रही है दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक सोलर सिस्टम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी अब सोलर सिस्टम से वो ये नहीं पूछेंगे कि अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट्स है दे विल आस्क क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक आल्सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन सुपरनोवा व्हाट इज सुपरनोवा डाइंग ऑफ स्टार्स एंड बिगनिंग ऑफ स्टार्स को सुपरनोवा बोलते दे कैन आस्क यू अबाउट ब्लैक होल दे कैन आस्क यू अबाउट बिग बैंग दे कैन आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स नया एस्टेरॉइड बेल्ट में वी हैव अ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज -E -R -E -S, है ना इसके अलावा डो ऑफ प्लान और कौन से है? इनको कब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कब इनको डो ऑफ बोला गया कौन बोलता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं देन वी हैव हमने डिस्कस किया प्लेट टेक्टोनिक्स कियाफियर बेस्ड क्वेश्चन विंड सिस्टम ओशनोग्राफी अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल डेजर्ट है सारे कॉन्टिनेंट के वेस्ट की तरफ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेस्ट में अफ्रीका को देखोगे सहारा डेजर्ट वेस्ट में है यूएसए जाओगे सीरिया नेवाड़ा वेस्ट में है क्यों है आपको 1, 2, 3, 3, 4, ये रीजन है आप तो बोलोगे कि हमने तो फैक्ट्स याद किया था बट आंसर राइटिंग में ये चारों पॉइंट आपने लिखा होता अगर ये पर्टिकुलर आंसर लिखा होता तो तो ये चार पॉइंट जो है ऑल ऑफ द आपको कर देना था बट अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने लिखा नहीं

ठीक है फ्लाइट की जर्नी आपको करनी है यहाँ से चेन्नई जाना है तो आप चाहोगे कि पचास घंटे की ट्रेन की जर्नी मैं ना करूँ समझ में आ रहा है पेन आपको यूज करना ही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप ज्यादा नहीं हो सकते आप प्लास्टिक यूज करोगे आप दूध के पैकेट को काट के एवरी डे यूज करोगे कर कुछ नहीं सकते आप बहुत ज्यादा बट uh, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साउंड होता है पीपल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है ना वही यूपीएससी के साथ भी है बिकॉज इट इज इन द एनवायरमेंट इट विल बी इन योर क्वेश्चन पेपर

मैप बेस्ड सेकेंड आप बताओ कोई भी टॉपिक इनमें से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ वन विच वी टॉक्ट इन क्लास प्लेट टेक्टोनिक्स आप बताओ अनदर टाइप्स एंड वेजिटेशन फेवरेट टॉपिक ऑफ फोर्थ क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर बेस इंस्टीट्यूशन याद हो गया तो so, ये कोर एरिया जहाँ से क्वेश्चन आना ही है अदरवाइज मेरे फेवरेट नहीं है ये एरियाज अभी आपने बात की so, आपको दोबारा पढ़ना है तो मैप एंड लोकेशन रिसोर्स बेस्ड एनर्जी मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड टर्मिनोलॉजी बेस्ड फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल जो आप देख सको कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ओके तो दिस पर्टिकुलर इज सॉइल टाइप्स एंड वेजिटेशन से इस क्वेश्चन को देखो ये तो इजी है इस क्वेश्चन को देखो स्टेटमेंट नंबर वन पढ़ो द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिय पता चल गया एक इंफॉर्मेशन द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डी क्विकली अभी पूछ रहे हैं कि पहला जो आपका सेंटेंस है उसका रीजन सेकंड है कि नहीं है तो ये कंसेप्ट बेस हुआ कि नहीं तो पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर डीके होगा डीकम्पोज होगा इट विल गो एंड मिक्स विद द सॉइल इट विल गिव द सॉइल बैक नाइट्रोजन विच हैज टेकन सो आपने देखा है पीपल यूज देयर ब्रूम्स वो साफ सफाई करते हैं अपने गार्डन की जो कि गलत है वो गार्डन में क्या करते हैं जो पत्ते गिरते हैं उनको हटा के साइड में रख देते हैं सोचते हैं कि दे मेंटेनिंग मेंटेनिंग दे नो नॉट no, इसी से इस पर्टिकुलर ट्री या प्लांट ने क्या लिया है नाइट्रोजन और जब ये नाइट्रोजन लीफ के थ्रू वापस जाना है तो उसको हम बाहर कर देते ये लीफ को डेड डिकम्पोज होके कहा वापस जाना चाहिए सॉइल में ताकि वो उस नाइट्रोजन को वो वापस दे सके बट हम बाहर कर देते हैं इससे धीरे धीरे क्या होता है सॉइल क्या हो जाती है न्यूट्रियट लेस हो जाता है न्यूट्रियट लेस हो जाती है एंड आप फिर उसमें क्या ऐड करते हो फर्टिलाइजर जिसको आप खाद बोलते हो और वो फर्टिलाइजर कहाँ जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में और हमें कौन सा डिजीज आता है कैंसर तो आप सोचते हो आप बहुत अच्छा खा रहे हो यूर डूइंग वर्कआउट यूर मेटेनिंग अ प्रॉपर रूटीन स्टिल यूर गेटिंग अ कैंसर यू कैन स्टॉप इट ठीक है सो एनवायरमेंटल स्टडीज कैन स्टॉप इट स्मॉल हैबिट्स कैन स्टॉप इट तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू तो क्वेश्चन दोनों तरीके से रिलेटेड है आपके डेली लाइफ से भी एंड योर टॉपिक सॉइल टाइप्स एंड वेजिटेशन से सी अनदर क्वेश्चन वी डू मैप बेस्ड आप देखो कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है एंड दीज आर ऑल यू नो यूपीएससी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कांगो बेसिन व्हाट डू यू मीन बाय बेसिन For example, there is a river Ganga which is flowing, flowing from Uttarakhand, then Uttar Pradesh, then Bihar, touches Jharkhand, enters West Bengal, goes to the sea. Yeah, yeah. But I mean, Ganga river ki many tributaries hai, Wo tributaries, states they are, that becomes the basin of the river Ganga. So even if you know the Congo river, you will not be able to answer it. Kyo Congo river, they have hundreds of tributaries and all the tributaries ke, they have a particular country. उथ so, में, में, में तो एक आइडिया से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते एक ऑप्शन वो आपको जरूर देंगे यहाँ जहां आप उसको एलिमिनेट करके यू कैन आंसर समझ में आ रहा है कभी अफ्रीका का मैप देखा है हाँ एनी वन ओके सो कंट्रीज लाइक साओ टोमे प्रिंसिप सुना तो हर जगह क्रॉस करते आप कहीं भी करवा दो नहीं साओ टोमे प्रिंसिप इज आइलैंड कंट्री इन द गिनिया कोस्ट एटलांटिक ओशन में है अफ्रीका के बिल्कुल वेस्ट ओके आप जीरो डिग्री की बात कर रहे हो प्राइम मेरिडियन यस प्राइम मेरिडियन पास होता है वहां से और मॉरिशस का नाम सुना है कौन से ओशन में मॉरिशस घूमने घूमने नहीं जाना क्या नो प्लान इंडियन ओशन में है समझ रहे हो तो अफ्रीका के दो पार्ट में दो ओशन है वन इज योर अटलांटिक ओशन वन इज योर इंडियन ओशन दो आइलैंड्स दो में मैंने बोले अगर आपको प्रॉपर आइडिया हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं तो so, का आइडिया होना है ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है अमरकंटक हिल्स विंध्या What are Western अमरकंटक कहाँ है Western और का कोई कनेक्शन है नहीं है तो इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी पता अगर एक ओवरव्यू है तो भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो मैप का ओवरव्यू होना बहुत जरूरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्लोरा एंड देखो क्वेश्चन देखो

रीजन भी बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, so देखो, utile, क्या है? अब में कौन सा आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम कॉपर आयरन टाइटेनियम आयरन और कहा मिल रहा है पुराने रॉक्स में जैसा आपके जमशेदपुर में मिल रहा है रांची में नहीं रांची में मिलता है कोल और जमशेदपुर में क्या मिल रहा है आयरन मैंगनीज और आयरन ऑल दोनों इकट्ठा कहाँ मिल रहा है कर्नाटका एलुमिनियम के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट इंडिया में कौन सा है ओडिशा क्या है कॉपर राजस्थान या फिर झारखंड या फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ तो क्या है जो कोस्टल एरियाज में सैंड में मिलेगा टाइटेनियम पता नहीं था हमें यहाँ पे हमने आइडिया से आंसर कर दिया क्योंकि हमें मिनरल का एक छोटा मोटा आइडिया है अगर हम मिनरल चैप्टर करेंगे तैयार तो कम से कम कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एल्यूमिनियम बॉक्साइड और ये जिंक आयरन और तो करेंगे अगर वो आ, 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 आप आप यूरेनियम और टाइटेनियम और ड्यूलाइट और यूटाइल नहीं कर रहे हो तो भी तो उस एरी उस आइडिया से हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया तो पढ़ के जाना है बहुत अच्छे क्योंकि अभी क्या आ रहा है आपके इंडिया में ई व्हीकल्स ई व्हीकल्स में क्या यूज होगा कोबाल्ट एंड लिथियम लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम के रिसोर्स कहाँ हैं साउथ अमेरिका ट्रायंगुलर जो बन रहा है अर्जेंटीना ब्राज़ील पैरागुए नूरोगुए दीज कंट्रीज ठीक है इंडिया में अभी अभी लिथियम पाया गया है कहाँ सतलुज सतलुज रिवर पंजाब में सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इंडिया थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमें सब चीज़ बाहर से ही इम्पोर्ट करने की ज़रूरत

ये देखो ग्रीन इनिशिएटिव का क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है ये बताओ ग्रीन हाइड्रोजन पे कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन नाम जुड़ा हुआ ना उसके साथ और हाइड्रोजन भी है इको फ्रेंडली है ओके सी मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर ये बोला तो क्योंकि मेंस में कुछ चार पांच टर्म्स यूज करने होते इको फ्रेंडली ट्रांसपेरेंसी ये सब लगाना पड़ता है मेंस पे बट ट्रिलेंस में नहीं चलेगा काम से पता होना चाहिए सो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको प्रोड्यूस करने के टाइम पे कोई ग्रीन हाउस गैस बाहर ना आए ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन वही है कलर अलग नहीं हो रहा है हाइड्रोजन का अगर बोल रहे हैं ब्लू हाइड्रोजन अगर बोल रहे हैं ब्राउन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का कलर रिमेन द सेम किस हिसाब से वो प्रोड्यूस हुआ है अगर हाइड्रोजन को बनाने में कोल यूज किया आपने तो उसको आप क्या बोलोगे ब्राउन हाइड्रोजन ग्रीन कोल यूज किया तो आप ग्रीन हाइड्रोजन बोलोगे लेकिन आप कोल कैसा भी यूज करो फिर भी तो आप कॉल इट प्रॉपर ग्रीन कभी कभी जो ग्रीन हाउस करते हैं तो कंसेप्ट किस पे वही एनर्जी एंड रिसोर्स क्लाइमेट चेंज टॉपिक से भी रिलेटेड है ये पर्टिकुलर इको सेंसिटिव पढ़ के बताओ क्वेश्चन विच वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ

मैंग्रोव भी है तो एक्जैक्टली exactly ये टर्म न्यूज में था इसीलिए पूछा सो करंट अफेयर्स फॉलो करना है और उससे रिलेटेड दिस पीपीटी आंसर आप तब निकालना ओके सो हाउ टू डू इट अच्छा ओके ड्रेनेज का क्वेश्चन झेलम रिवर पासिसक Do you know about Bular Lake? नहीं, कश्मीर में तो है ही अब झेलम भी कश्मीर में ही है ना हाँ पीओके में, में नहीं है यू के लेक आप जाके बोटिंग, बोटिंग कर सकते हो लोग जाते नहीं है अभी नया इन्फ्लुंसर आएगा ना जो ऑफ कश्मीर बताएगा वो बुलार बताएगा सो so, बुलार ऑक्सबो लेक जब रिवर बहुत ज्यादा मियांडर करती है कुछ पार्ट छोड़ देती और वो छूटा हुआ जो पानी है उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं तो झेलम नदी का ऑक्सबो है ठीक है कृष्णा कृष्णा के बारे में में क्वेश्चन क्वेश्चन गंडक गंडक एक दे हैव कवर्ड थ्री रिवर्स एंड एंड कम्स फ्रॉम नेपाल इज इज रिवर रिवर ऑफ ऑफ साउथ इंडिया दैट द मतलब एक ही क्वेश्चन में उन्होंने आपके रिवर का सारा नॉलेज चेक कर लिया फिर आप बोलोगे कि मैडम पूरा ड्रेनेज पड़ा क्वेश्चन एक ही आया क्वेश्चन एक नहीं था माय डियर नंबर दो थे क्वेश्चन तीन थे एक ही क्वेश्चन में ठीक है पर ड्रेनेज अच्छा होगा तो ओनली फाइव परसेंट और वन परसेंट पीपल विल बी एबल टू आंसर ओनली वन परसेंट एल टेली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अर्थ के एटमोसफियर कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन आ गए एटमोस्फियर के क्वेश्चन हैंक के क्वेश्चन

ठीक है तो फैक्चुअल नॉलेज पे भी ध्यान देना है और कंसेप्ट भी ध्यान देना है याद रखो देखो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का आधा कंसेप्ट इस दो स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है लैप्स रेट कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है क्वेश्चन रिलेटेड नाउ दिस क्वेश्चन देखो इन एलियन स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप again question related to climate समझ में आ रहा है तो आई थिंक अभी तक मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन आपको कौन से देखने कौन न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो ध्यान कहाँ देना है न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना व्हिच न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस हिंदू कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो सो so, न्यूज़पेपर में पढ़ते क्या हो मतलब न्यूज़पेपर का अप्रोच क्या है कैसे पढ़ते हो फॉर एग्जांपल कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स को कैटर करना चाह रहे हो पॉलिटी हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन एथिक्सोर जोग्रफी एनवाइट सो वॉट वेन यू सर्च फॉर टॉपिक्स ऑफ जोग्रफी और एनवायरमेंट तो क्या देखते हो न्यूज़पेपर में आज क्या था पढ़ा है आज का कल का लास्ट संडे का इस महीने कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ा होगा ना तो कोई भी न्यूज आई ज्योग्रफीमेंट से रिलेटेड

तैयार हो जाएगा थीम वाइज क्वेश्चन देखो कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसको पढ़ने में ही बंदे को पांच मिनट लग जाएगा अगर उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत नहीं हुई जस्ट लुक एट द डेप्थ मतलब एक स्टेटमेंट आप पढ़ो यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू नीड द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम The 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 International Energy Agency's partnership with the Climate Group launched global initiative इंटरनेशनल एनर्जी ई पी EP100 के बारे में और एक क्वेश्चन ठीक है न्यूज़पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे भी किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा चाहे कहीं पे भी पढ़ लो किसी भी टीचर से पढ़ लो कौन बताएगा ओनली current. क्योंकि कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कॉन्फ्रेंस में ईपी हंड्रेड नामक पॉलिसी रिलीज की गई थी और वो ई पी हंड्रेड क्यों और कहाँ रिलीज की गई थी उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन इंडिया रेजिस्टेशन जब पढ़ोगे ना एनवायरमेंट का तो भी आंसर कर पाओगे क्या क्वेश्चन है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स कुछ याद आता है 1986 से?

तो वो सेंट्रल वाटर कमीशन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आप इसको दिमाग लगा के स्मार्टनेस से आंसर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो एक्ट है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट में ग्राउंड वाटर भी आता है वाटर भी आता है किसको आंसर करोगे एग्जैक्टली बताओ ना चाहिए ठीक है न्यूज पेपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट इज अगेन एनिमल से रिलेटेड ठीक है रिलेटेडर क्वेश्चन

न्यूयॉर्क डेक्लेन ऑन फॉरेस्ट फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन अगेन टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज देखो कार्बन कॉमन कार्बन मेट्रिक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम नाम जरूर है बट इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, कब बनी थी हेडक्वार्टर कहाँ है नरो बनी थी

सेवेंटी टू में और वहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था यू एन ई पी हेडक्वार्टर केनिया दिया था नी उसकी कैपिटल को और इसी ने इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बीस साल बाद 1992 में क्या किया अर्थ समिट और उसी अर्थ समिट में क्या हुआ यू एन एफ सी 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 बी डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सारे सी ओ पी का बर्थ नाइनटीन में जिसके बारे में आज ट्वेंटी में आप करेंट अफेज में पढ़ोगे सो so, ये ऑर्गेनाइजेशन Is the sole organization responsible for all the works done by UN in regard to environment? आय samaj. तू इतना background pata hoga to dimag laga paoge. To pata chal jayega पढ़ोगे। ठीक है, high clouds these are in relation to climatology, concept based है। किस दिन ज़्यादा ठंड लगती है, जिस दिन clouds होते हैं या जिस दिन नहीं होते? क्लाउड्स अगर है तो थोड़ा मॉइस्चर भी है ना मॉइस्चर भी है, तो ठंडक भी लगेगी ऐसा या अगर नहीं है तो हवा तेज चल रही है जगह मिल रही है तो टेम्परेचर गिर जाता है क्यों क्योंकि जितना रेडिएशन आपकी अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है वो क्या देता है वापस इसको क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आने वाले को क्या बोलते हैं सोलर रेडिएशन ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको जाने के लिए जगह चाहिए अगर आपका क्लाउड खड़ा है तो उसने फिर से कर लिया, फिर से आपके एनवायरमेंट को क्लाउड नहीं है, है वो क्या हो जाएगी कूल cool डाउन तो ठंड ज्यादा लगेगी अगर क्लियर स्काई हुआ तो जिस दिन सारे दिख रहे हैं उस दिन ठंड ज्यादा ऐसे सोचना है okay, आप नदन एमेस्फियर में रहते हो या सदन में इक्वेटर के ऊपर so uh, दिया, दिया नहीं दिसंबर दिया नहीं लॉन्गेस्ट डे इजी फर्स्ट जून है ना तो दिस इज फर्स्ट चैप्टर मूवमेंट ऑफ अर्थ वाला क्वेश्चन है okay. बहुत बेसिक क्वेश्चन है सो देर इज वन मोर पॉइंट बेसिक तभी लगेगा जब बेसिक पढ़ा हो एनटीआर टीज पढ़े हो गोचिंग लियोंग पढ़ाओ लोग बेसिक पढ़ते नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं क्या है यूपीएससी इज वेरी हाइप्ड एग्जामिनेशन सो दे गो फॉर टॉपिक्स दे गो फॉर हाइप टॉपिक्स बट बेसिक्स विल बी क्रिएटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स हम या दैट इज योर करेक्ट ऑब्जर्वेशन मे बी यू हैव सीन समवेयर तो वी हैव बायोजियोकेमिकल केमिकल साइकिल कार्बन साइकिल है वाटर साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल है ऑल दीज साइकिल्स अगेन क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट ठीक है देखो ये क्वेश्चन ये जो तीन वर्ड्स है ना लाइक इन मॉस एंड ऑल्सो यूपीएससी में कम से कम चार बार आ चुका है तो so बहुत लोग आपको बोलेंगे मेनी पीपल विल टेल यू यू पी एस सी विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन यू नो देर इज नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चन बट If you see the previous year question, three things you can see. First is the question pattern, how they ask. Second, their favorite topics. And third, the trend they have been setting. So, these mosses or lichens or ferns, they have asked several times but in a different way. Then, if we go apart from geography, there is a topic in polity, CAG. कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया, दें वी हैव अ पार्लियामेंट का टॉपिक स्पीकर, दे व्हाट दे हैव डone दे हैव आस्ट सेवरल टाइम्स फ्रॉम द सेम टॉपिक, सो टॉपिक्स आर रिपीटेड, इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया पूछेंगे इस बार, इतना बड़ा बिलाया एक्ट हो रहा है तो पूछेंगे इलेक्शन क एन की जो बायोलॉजी की बुक है बताया होगा सर ने बायोलॉजी so, की बुक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है यस yes, लास्ट के फोर चैप्टर्स उसमें ये क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेंगे कम ऑन लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन वेटलैंड्स की बात कर रहे थे ना आप सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन इंडिया हैज मेनी वेटलैंड्स अराउंड 77 75 77 चल रहा है अभी 80 टच नहीं किया है अभी हां 77 आई थिंक इज द लास्ट आई विल चेक दैट तो होकेरा रेणुका रुद्रसागर एंड षष्ठम कोटा कौन सा करेक्टली मैचड है एक भी पता है रेणुका हिमाचल में है रेणुका हिमाचल रुद्रसागर त्रिपुरा में है होकेरा पंजाब में है और षष्ठम कोटा तमिलनाडु में ऑल फोर पेयर्स करेक्टली मैचड है लेकिन पता नहीं होगा तो गलती तो ढूंढोगे ही गलती नहीं है लेकिन इसमें ठीक है ओके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन है एवरग्रीन के बारे में क्वेश्चन है अच्छा बताओ सिंपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड फॉरेस्ट वेरी बेसिक एवरग्रीन एंड में क्या डिफरेंस एनीथिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ मोर रेनफॉल डेसीडस में देयर इज लेस रेनफॉल ओके तो ये तो रेनफॉल का डिफरेंस बताया ना यस, yes. फॉरेस्ट का डिफरेंस बताओ एवरग्रीन में हमेशा ग्रीन रहेगा और डेट में हमेशा ग्रीन नहीं रहेगा ऐसा है ऐसा ही है इतना ही बेसिक है एवरग्रीन में अगर लीव्स गिरेंगे उसको शेडिंग नहीं बोलेंगे दोज आर ओल्ड लीव्स विच आर फॉलिंग। या फिर बहुत स्टॉर्मी कंडीशन है सो दे आर फॉलिंग बट डेटस में साइकोलॉजिकली हैव बिल्ड देयर माइंड टू शेड ऑल द लीव्स टुगेदर In one season, जैसे में आप देखते हो मार्च अप्रिल हर जगह अलग अलग है बस दीस थ्री आरथ बट वाई इनको क्या जरूरत पड़ी है? सारे एक साथ शेड कर दिए हॉलीडे पे जा रहे हैं <laughs> इनको मालूम है ना दे आर इन देश रेनफॉल रीजन विंटर मंथ में इट्स अ प्रोलॉन्ग ड्राई सीजन देट बी रिसीविंग एनी वॉटर एंड

They need salty water, but दे नीड सॉल्टी वॉटर ho दे सतल आप घर में डिमांड कर रहे हो मुझे पानी में नमक बनाकर देना लेकिन जब आप उस पानी को पी लेते हो तो आप बोलते हो नमक So that is how mangroves are. They will excrete the salt on their leaves. लीव तो जब आप उनके पत्तों को देखोगे तो उसमें salt आपको नजर आएगा बिकॉज एंड इन सब प्लांट्स के रूट्स नीचे जाते हैं ठीक है दे माइग्रेट डाउन बट इनके ऊपर आ जाते ठीक है ऊपर आ जाते हैं क्यों सॉल्ट नहीं चाहिए ना पानी के अंदर तो सॉल्टनेस जा रहा है तो ऊपर आ जाते हैं हवा खाते हैं और दूसरों को क्या लगता है कि कांटे हैं जमीन पे तो। ऐसा ही लगेगा ना एरियल व्यू देखोगे तो क्या लगेगा कि ग्राउंड में क्या है कांटे हैं उस पे चल नहीं पाएंगे पर जो उस पर चल उसको वहीं रहना है वो क्या करेगा adaptation. अपने पाँव को थोड़ा पफी बनाएगा ताकि उस पर चल पाए कौन है ऐसा एनिमल टाइगर्स रॉयल बेंगाल जो एक बार गुजर जाए तो देखते ही रह जाओगे नाइन फीट, रॉयल बंगाल टाइगर ओके एंडगर बिकॉज दे लिविंग इन लैंड वाटर लैंड वाटर देखना पड़ता है

समझ रहे हो जो पेपर आप देते हो वही फॉरेस्ट वाले देते हैं फॉरेस्ट वालों का सब्जेक्ट क्या है जूलॉजी बॉटनी उनका ऑप्शनल भी अलग है आपका ऑप्शनल अलग है तो वो आप अलग से तो पूरी तैयारी करेंगे नहीं समझ रहे हो तो उनके लिए भी तो कुछ क्वेश्चन देना पड़ेगा ताकि वो भी एग्जाम क्लियर कर पाए तो ये याद रखना ये प्लस पॉइंट भी है कि बिकॉज दे आर ऑल्सो सिटिंग इन एग्जाम विथ यू यू ऑलवेज विल बी हैविंग फ्रॉम एनवायरमेंट

तीन दिस इज द थर्ड क्वेश्चन सो इसका मतलब क्या है टॉपिक्स रिपीट होते हैं और इनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स है Mangroves पे question, wetlands पे, और अभी तक ज्यादा क्या नहीं पूछा है कोरल और लास्ट के सिक्स के न्यूज़पेपर्स को उठा के अगर देखोगे तो कोरल रीफ्स पे बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की है आल्सो रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट बैरियर रीफ है ना ज्यादा क्वेश्चन यस ज्यादा क्वेश्चन कोरल रीफ्स पे इसलिए क्या होने इंडिया में बहुत प्रेवलेंट नहीं है

And which is very important in terms of climate change or conservation, they will ask you because here to interrelated topics have You can say this question is from science or biology, or you can say this question is from current affairs, which is related to environment organizations. For example, this question: the climate smart village approach is oh sorry in India is a part of a project led by climate change, agriculture and food security, an international research program. So properly, question kispe based on this particular.

पीस है हवा ने इसको बहा के कहीं और डिपॉजिट कर दिया या फ्लड आया या कोई रिवर बह रही है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो के दूसरी जगह इसको क्या कर दिया डिपॉजिट इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इरोजन सो तो इरोजन की शुरुआत कहाँ से होती है वेदरिंग से सो तो कौन सा रॉक वेदर हुआ तो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया में बना ब्लैक कॉटन सॉइल की लोकेशन क्या है कहां मिलता है ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र गुजरात

तो बचा क्या वोल्केनो फिजर वोल्केनिक रॉक वोल्केनिक रॉक किससे बनता है क्या नाम है उस रॉक का बसाल्ट क्या बनता है बसाल्ट अंदर लावा है सौ किलोमीटर नीचे डेढ़ सौ मान लो तुम्हारे एरिया में दिल्ली में डेढ़ सौ के नीचे क्या है लावा लावा अगर जमीन पे आ गया बाहर तो क्या बन गया क्या बन जाएगा यही बेसाल्टिक रॉक उसमें सिलिका का, का कंटेंट कम होगा और लावा अगर बाहर आने की कोशिश कर रहा आ नहीं पा रहा है अंदर ही क्रैक्स वगैरह में चला जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा ग्रेनाइट तो जब आप जमीन खोदते हो जो रॉक्स निकलते हैं वो ग्रेनाइट है और जिस जमीन के ऊपर रह रहे हो वो क्या है ठीक है है बहुत बेसिक चैप्टर इंटीरियर ऑफ अर्थ वहां मिल जाएगा ये सब एनसीआर पढ़ना अच्छे से ठीक है अगेन अभी हमने डिस्कस किया कॉनिफ्रस फॉरेस्ट ड्राई रेसिडुअस मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखो क्या आंसर कर पाती हो कि नहीं कमाल पढ़ के देखते तो लीप लिटर डीकम्पोजेज फास्टर एक मिनट डीकम्पोज हो रही है फास्टर डीकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए डीकम्पोज मतलब क्या सड़ जाना कब सड़ जाती है चीज मॉइस्चर होता है गर्मी ज्यादा होती है ठंड में रखते हैं क्या हम रेफ्रिजरेटर के अंदर चीज ज्यादा कब रखते हैं तो यहीं से पता चल गया कि क्लाइमेट थोड़ा हॉट है हॉट है तो कॉनिफ्रेंस तो नहीं होगा है ना

अभी बताया मैंग्रोव तो कैनपी बना ही नहीं सकती वो तो रूट्स ऊपर आ जाते हैं और लीव्स कौन बनाता है कैनपी जहाँ बहुत ऊपर जाते हैं हाइट होती है वहाँ क्या बनती है कैनपी हाइट कैसे मिलेगी अच्छा रेनफॉल होगा अच्छी न्यूट्रंट होगी तब हाइट मिलेगी बोलते हैं ना बच्चों को खाना पीना अच्छा खाओ तब हाइट बढ़ेगी किसको खाना पीना सबसे अच्छा मिल रहा है ट्रॉपिकल रेनफॉल तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है एक एक को जांचना है फर्स्ट मिला सेकंड मिला वहीं से आंसर निकल जाता है ऐसे करके पढ़ना नहीं है एग्जाम में करना। है। देखा है मेरे टेस्ट सीरीज में लड़कों को पूरे क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे फिर फिर सॉल्यूशन को भी वो ऑप्शन है ना उसको भी फिर एग्जामिन करेंगे फिर सोचेंगे फिर आंसर करेंगे उतने देर में तीन क्वेश्चन आंसर हो जाने हैं और रिविजन के लिए भी टाइम मिल जाना है गंडी कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ऑप्शन टफ है, है चारों रिवर साउथ इंडिया की है कावेरी मंजीरा पेन्नार तुंगभद्रा एक बात बताओ ये गंडी कोटा कहाँ है अगर यही नहीं पता तो कोई बचा नहीं सकता आपको <laughs> ठीक है गंडी कोटा आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है कैनियन मतलब गड्ढा वी शेप वाली ठीक है आप पहाड़ों वगैरह में घूमने गए होंगे गए होंगे नहीं है तो इंस्टाग्राम में देखा होगा ठीक है सो so रास्ते से जा रहे हो और नीचे आपको वैली दिख रही है, रिवर प्लो हो रही है इसका मतलब क्या है इस रिवर ने इस जगह को काट के अपना रास्ता बनाया दोनों तरफ माउंटेन से बीच में वैली उसको क्या बोलते हैं कैनियंस वी शेप की होती है जनरली थोड़ी डीप कम है तो गॉर्जिस बोलते हैं डीप ज्यादा है तो कैनियन बोलते हैं तो गंडी कोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में कितना इन्फॉर्मेशन दे दिया आंध्रा में अब बताओ कौन सी रिवर आंध्रा से रिलेटेड नहीं है नहीं है पेन्नार कहाँ है फिर पेन्नार केरला पेन्नूरु भी है चलो ठीक है मान लेते कावेरी कर्नाटका एंड तमिलनाडु तुंगभद्रा कर्नाटका आंसर क्या बचा मंजीरा सो मंजीरा इज अ रिवर फ्लोइंग इन दैट Uh, आंध्र एंड तेलंगाना प्लेट्यू रीजन ठीक है तो गंडी हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम हमने क्या किया एलिमिनेशन से आंसर किया क्यों हमें ड्रेनेज पता है ना अच्छे से हमें ड्रेनेज आता है हमको मालूम है तुंगभद्रा रिवर ने कृष्णा रिवर को कर्नाटका में ही जॉइन कर लिया है तो आगे तो वो तुंगभद्रा है ही नहीं तो आएगी कहाँ से आंध्रा तक पर इतना जानने के लिए दो चीज जानना है एक ड्रेनेज अच्छे से और एक मैप अच्छे से और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए जा सकते वन मोर कौन सा नॉट करेक्टली गलत ढूंढना ढूंढनाभा गांधी सागर इंदिरा सागर मैथान हाँ झारखंड वाले बताएंगे मैथान के बारे में तो मैथान डैम है ना नहीं पता बाहर पढ़े लिखे हो रहे नहीं झारखंड में रांची में रहे हो सो so, मैथान इज द वेरी बिग प्रोजेक्ट विच इज अंडर डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और मैथान लिखा है छत्तीसगढ़ में आ गया मिल गया आंसर कहा से मिल गया मैडम अभी तो फोर एक ही पेयर मिला है तो एक मिल गया ना तो फोर पेर तो होंगे नहीं <laughs> क्यों नहीं होगा घटप्रभा तेलंगाना में लिखा है ये भी गलत है कि कैसे पता चलता अगर मालूम होता कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है कृष्णा घटप्रभा मलप्रभा तुंगभद्रा तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी तीनों में क्या लिखा है तेलंगाना दो पेयर मिल गए ना तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ टुडे आवर एम एंड फोकस इज नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स और कंसेप्टो हम आगे आने वाली क्लासेस के लिए छोड़ेंगे <laughs> आज हमारा मैटर क्या है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पढ़ना कैसे है और अप्रोच कैसे करना सोचना कैसे तो एक ड्रेनेज ही कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर कर लोगे ओके ड्रेनेज दस रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है देन आ गई सुबर्ण ने देखा सो विच द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न डू यू नो अबाउट ईस्टर्न घाट्स हाँ ईस्टर्न घाट्स कौन से स्टेट्स में ये पता है अच्छा ये बताओ दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है वर्ल्ड की नॉट इंडिया वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया में ही है इतना भरोसा रखो अरावली ठीक है फर्स्ट कौन आया सबको पता है सेकंड ओल्डेस्ट है ये ईस्टर्न घाट्स ठीक है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट है ईस्टर्न घाट अब ईस्टर्न घाट में स्टेट्स कौन से कौन से ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बस ओनली थ्री अब रिवर बताओ ब्रह्मणी नागवली सुवर्ण रेखा वंशाधारा कौन सी नहीं है पहले ये बता दो सुवर्ण रेखा कहाँ है सुवर्ण झारखंड में झारखंड में कौन सा प्लेट्यू है छोटा नागपुर तो ईस्टर्न घाट से रिलेशन नहीं है अगर मैंने सुवर्ण हटा दिया तो थ्री जहां जाए हट जाना चाहिए सी और डी तो आंसर या तो वन और टू है या टू एंड फोर है अब एक और हटाना है ब्रह्मणी ब्रह्मणी कहाँ है सुना है ब्रह्मणी के बारे में ओडिशा एक रिवर सुना है महानदी ब्रह्मणी एंड बैतारनी दोनों ट्रिब्यूटरीज है महानदी की तो ओडिशा में है ये इसका मतलब वन तो आंसर होगा फोर्थ इज वंशाधारा है वंशाधारा न्यूज़पेपर में वंशाधारा आया था तीन महीने पहले क्योंकि वंशाधारा के बैंक्स पे वी हैव माउंटेन्स और उन माउंटेन्स पे कुछ ट्राइब्स रहती हैं जिनका नाम है डोंगरिया खोंड सुना था ना और वो डोंगरिया खोंड मोर देन 170 टाइप्स ऑफ एंड वेजिटेबल्स वंशाधारा नदी के तट पर उगाते हैं जो वो यूज करते हैं और वहां माइनिंग हो रही है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में था तो वंशाधारा ईस्टर्न घाट से ही रिवर आया आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर यू आंसर मैं आप पे छोड़ के चले जाऊंगी आज मैं जस्ट बता रही हूँ हाउ यू नीड टू थिंक वंशाधारा रिवर वाज़ इन न्यूज अपने अपने स्टेट के रिवर्स तो आपको आने ही चाहिए आ जाए विथ रेफरेंस टू इंडिया आइए राजस्थान वाले दीदवाना कुचामन सरगोल एंड खाटू वॉट आर दे

नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता इंटरनेशनल <laughs> होना चाहिए वो लेक तो so, मैडम अगर वो लेक राजस्थान में लोकेटेड है हम उसको इंटरनेशनल कैसे बना दें ऐसी जिसमें माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं वो लेक क्या है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का बिकॉज जिस कंट्री से वो माइग्रेटरी स्पीशीज आए हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले ये उस कंट्री की भी क्या है चाहत है और अगर आप इसको अच्छा नहीं रखते हो वो स्पीशीज यहाँ से क्या होके जाएगा बीमार या मर के जाएगा मर के जाएगा ही नहीं और वहां की इकोलॉजी आपके पॉल्यूशन के वजह से खराब हो जाएगी तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया जितना कंसर्न इसको सेव करने का इंडिया का है उतना उस उत कंट्री का भी है जिसके माइग्रेटरी स्पीशीज यहाँ आते हैं ऐसे लेक्स को या वाटर बॉडीज को या रिवर्स को या टैंक्स को या डैम्स को या बराजे को आप क्या बोलते हो रामसार साइट्स वो इंडिया में सेवेंटी so hmm? नहीं दिल्ली की यमुना रामसार साइट नहीं है दिल्ली की यमुना इज नॉट अ रामसार साइट वो हो नहीं सकती है उसको रामसार नहीं बचा सकते हैं अगर रामसार साइट ने देख लिया यमुना को तो दे रिलीज एनी फंड

आते हैं दैट इज ओके बट जो आपकी कंजर्वेशन है अगर दोनों कर रहे हैं तो देयर शुड बी इक्वल इफ इट इज ओनली नॉट सेवेबल बाय द अदर कंट्री इट इज नॉट अ रामसर साइट आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ योर क्वेश्चन सो वी हैव अ रामसर साइट इन ओडिशा व्हिच इज कॉल्ड चिलिका लेक इट इज फेमस फॉर द ईरावडी डॉल्फिन्स वहां कोई बर्ड्स नहीं आती हैं बट म्यांमार से डॉल्फिन्स आती हैं

सो टू थाउजेंड में चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा लेक साफ किया गवर्नमेंट आल्सो तो टूक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। नाउ द इरावडी डॉल्फिनक हाँ उनको किसी ने फोन पे बताया नहीं कि द लेक इज ओके नाउ यू कैन कम सो देस दैट दैट इज वाई दीज स्पीशीज आर नोन एज इंडिकेटर स्पीशीज गाड़ी चलाते हो इंडिकेशन देते हो ना इन्होंने इंडिकेट दिया नहीं आके कि लेक आने लायक नहीं है और वापिस आके क्या इंडिकेट दिया लेक इज ओके इट इज नॉट दैट कंटाम ऑर्गेनाइजेशन करती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रीज के सब्सक्रिप्शन जाते है. तो कंट्रीज इकोलॉजी के मैटर पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो उनको एक दूसरे को हेल्प करना पड़ता है बिकॉज एनिमल्स प्लांट्स, दे बाउंड्रीज ठीक है दे कैन गो एनी वे दे वाइल्ड हाँ सो का एक क्वेश्चन अफ्रीका हिमालय का हिमालय पता है कितने स्टेट्स में कितनी सारी ज्योग्राफी तो मैंने आज ही पढ़ा दिया आपको हिमालय जम्मू कश्मीर हाँ जम्मू कश्मीर में तो है ही और उत्तराखंड पहले हिमाचल बोलो फिर बस मैडम हम तो ये हिमालय जानते हैं हम तो वेस्ट वाले हैं ईस्ट में भी आइए अरुणाचल सिक्किम वेस्ट बंगाल वी हिमालय इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो अरुणाचल एंड देन नागालैंड मणिपुर मिजोरम एंड स्मॉल पोर्शन इन त्रिपुरा ऑल्सो इतना बड़ा हिमालयाज है आपके लिए शिमला कुल्लू मनाली में खत्म हो रहा है बट इट्स गोइंग अप टू कंचनजंगा दार्जिलिंग तवांग एंड देन डाउनवर्ड्स ऐसवाल मिजोरम तक हिमालय जा रहा है तो अलग अलग हिमालयस में भी डिवीजन है वेस्ट हिमालय आपके वाला ईस्ट उधर वाला तो नामचे बरवा गढ़वाल में है नंदा देवी कुमाऊं में है नौकर सिक्किम में है कर सकते हो सवाल इसको देखो नंदा देवी कुमाऊं में अच्छा बताओ नंदा देवी क्यों फेमस है कुछ तो सुना होगा कहाँ है पता है नंदा देवी उत्तराखंड वेरी गुड उत्तराखंड में वी हैव टू डिविजन एक को बोलते गढ़वाल हिमालय एक को बोलते कुमाऊ हिमालय तो गढ़वाल सेक्शन में है नंदा देवी साउथ में है किसके साउथ में बद्रीनाथ के जब आप जाते हो बद्रीनाथ यू क्रॉस नंदा देवी और हेमकुंड साहेब वाला एरिया दैट इज नंदा देवी वाली ऑफ फ्लावर्स ब्लूम गढ़वाल नॉट कुमाऊ कुमाऊ में कौन से हिल स्टेशन से नेम एनी शिमला इज इन हिमाचल माइडियर कोई बात नैनीताल नैनीताल सात ताल, नैनी ताल, ताल अल्मोड़ा रानीखेत, पिथौरागढ़ दीज आर इन कुमाऊ एंड गढ़वाल वाले तेहड़ी रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग, प्रयाग ऑल प्रयाग यू कैन नेम इन गढ़वाल एंड बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री एंड यमुनोत्री एंड कुमाऊ यस yes. ये गलत नामचे परवा गढ़वाल में नहीं है नामचे परवा इज इन चाइना नामचे परवा इंडिया में ही नहीं है इट्स द ओनली पीक इन द होता तो पता होता कि ये रिजर्व है जो so him, माउंटेन्स उनको हिमालया हम बोलते ही नहीं तो तीनों पेयर गलत इधर कितनी नॉलेज चेक हो गई ऑप्शन गलत है फिर मतलब तो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई होगी नाम क्या चाइना नंदा देवी गढ़वाल नौकरे मेघालय ऐसा भी होता है कभी कभी मार्क कर देना कॉन्फिडेंट हो तो नंबर मिल जाते <laughs> हैं yeah, ये कैसे पता चलेगा मैडम कहाँ अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया मालूम है कितने कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में फाइव ऑल फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर लैंड लॉ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान किर्गिस्तान कितने हो गए पांच ये पांच का अगर लोकेशन ठीक से पता हो तो अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग हम बता सकते हैं अजरबैजान इज नॉट uh, वो तो बहुत अलग है इट इज इन द कैस्पियन सी अदर साइड है ना तो देख रहे हो हम जो बात कर रहे हैं नहीं जा पा रहे ना उसके साथ तो मैप में बिल्कुल थ्रू होना है आई टीच ठीक है तो दिस अच्छा यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अजरबैजान हटा दो ना 1 2 3 हट गया सी इज द आंसर एक नॉलेज चाहिए थी सिर्फ यहां अजरबैजान की व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू यस पूरे जब आप कोविड में घर पे आराम कर रहे थे वो लोग वॉर लड़ रहे थे अजरबैजान एंड आर्मेनिया ओके तो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट कैसा है हमारे ज्योग्राफी का क्या पता चला वेरी वास्ट बट वास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एग्जाम में छोड़ के चले जाओ लेट मी टेल यू वाई नहीं नहीं ऐसा नहीं कि मेरा सब्जेक्ट है हम तो यूपीएससी वाले हमारे तो सारे ही सब्जेक्ट है हिस्ट्री अगेन रिलेटेड टू मेनी थिंग्स जब आप सोसाइटी पढ़ोगे ना जी पेपर वन में तो हिस्ट्री काम आएगी ठीक है देन वी है लेकिन जोग्राफी हर सब्जेक्ट में काम आए हर सब्जेक्ट में यस yes, हिस्ट्री को समझने के लिए भी जोग्राफी पढ़ना पड़ता है so, हम बोलते है क्या है जोग्रफी में कि हाउ यू ईट हाउ यू स्लीप हाउ यू सिंग हाउ यू डांस वॉट आर यूर हैबिट्स ऑल डिपेंड ऑन द रीजन यू स्टे या यू हैव टेकन बर्थ ऑन कैसे Why do Haryana and Punjab and Western UP people speak so rudely, and these Bengal and Assamese people are so soft? Yeah, both different. See, Haryana people or Western UP people have always struggled with agriculture. Their soil is nutrient less. They have got the agriculture only after Green Revolution. But as we move on to Bengal, Bihar, Odisha, and Assam, lots, lots and lots of water, alluvial soil.

वो स्टेपल डाइट है वो खाया तो जब आदमी रोटी कपड़े मकान से फ्री हो जाता है क्या करता है काम क्या? काम तो हो गया ना पुराने जमाने में तो काम सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग क्राफ्टिंग और आपका सारा समय रोटी कमाने में ही लग गया तो फिर आप तो कुछ करोगे ही नहीं ना आप देखो कितने नॉर्थ इंडियंस बच्चों को एक हॉबी डेवलप्ड है नहीं है बट यू गो टू ईस्ट एवरी वन

इन दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान आप कोई बदमाशी करो कुछ ना करो अव्वल नंबर क्लास में आना चाहिए सो देर इज अ अट डिफरेंस दैट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द अ प्लेस विल गिव बर्थ टू दिस्ट्री दैट इज माई मैडम इज ऑल्सो फेमस श्रेया घोषाल बट अब आपका मीका भी तो फेमस है चल जाएगा ठीक है बिकॉज पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया ना सो दे फूड अचानक से यू आर गेटिंग गुड एग्रीकल्चर गुड इनकम आ रही है घर पे तो कहाँ खर्च करेंगे कैनेडा जाएंगे ट्रैक्टर लेंगे अगेन सी आप ये सब बातें मजाक में भले कर रहे हो बट ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आप खुद ही दे रहे हो कि एक जगह की सोसाइटी कैसे चेंज हो गई उस जगह का एग्रीकल्चर चेंज होने से लाइक द पंजाब सोसाइटी

एवरीथिंग वी अबाउट इन जोग्राफी दैट इज वाई ज्योग्रफी फिजिकल भी है इंडियन भी है ह्यूमन ज्योग्राफी भी है इकोनॉमिक भी है सोशल भी है सो so, तो so, दिमाग खोल के पढ़ना है आसपास भी देखते रहना है एक स्टेटमेंट से बहुत सारे स्टेटमेंट का पता लगाया जा सकता है एंड पार्टली फैक्चुअल एंड पार्टली कंसेप्चुअल है ये भी हमने अपने सारे क्वेश्चन uh, से देख लिया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है तो कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्चुअल को भी आंसर किया जा सकता है ठीक है तो क्या समझे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी जोग्राफी पढ़ने की फाइनली वी कम टू द स्ट्रेटेजी पार्ट सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी यू गाइस कैन पार्टिसिपेट एनसीआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है बेसिक बिल्कुल यस यस फर्स्ट फर्स्ट थिंग वी शुड रिमेंबर इज डोंट माइंड मी दिस से आपके एरिया से गुजरी हूँ सो तीन तीन अटेम्प्ट लोगों के कम्पलीट हो जाते हैं और उनके पास एक किताब नहीं रहती है दैट इज एटलस एटल आप अपने पीयर्स के पास या पीजी में कहीं पे भी जरूर देखोगे दे हैव रेड द एनसीआर प्रैक्टिसिंग आंसर्स बट दे डोंट हैव द एटलस फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी थरली ओके विद द लोकेशन एक दिन में नहीं होगा इट इज अ प्रोसेस याद नहीं करना है माइंड मैप बनाना जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो दीज गाइज टोल्ड अजरबैजान तो वहाँ है इधर कहाँ तो ये वहाँ का मतलब जो था ये इनके माइंड में वेस्ट चल रहा था तो इन्होंने अपने माइंड के हिसाब से हाथ हिलाया जो इनका इधर था और मेरा इधर समझो तो बात ये है कि दे हैव हाँ अ मैप इन द माइंड जो कहता है कि अजर कैस्पियन सी के वेस्ट में है एंड दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैस्पियन सी के ईस्ट में इनके भी साउथ ईस्ट में है अफगानिस्तान से उसका कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है ये याद नहीं कर सकते हम ये मैप बेस से आंसर कर सकते हो सेकंड एनसीआर अगर आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी इफेक्टिव कैसे रहेगी अगर मैप आता है या मैप को साथ साथ खोल के पढ़ रहे हो क्योंकि हर एक लाइन में किसी जगह का नाम लिखा है बिकॉज यू आर स्टडिंग जोग्राफी अगर आपको पता ही नहीं कि उसकी लोकेशन क्या है नहीं आंसर कर पाओगे सेकेंड ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए थर्ड कनेक्शंस जो लोग नहीं बनाते एक क्वेश्चन आपको कितने टॉपिक्स को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा और वही आपका ट्रेंड है और वो ट्रेंड को ही हमें स्ट्रेटजी में लाना है तो जितने भी क्वेश्चंस थे सारे फाइव सिक्स इयर्स पुराने क्वेश्चंस थे और सब में आपने देखा कॉमन टॉपिक्स क्या एक भी क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक्स का था बताओ क्या एक भी क्वेश्चन ओशनोग्राफी चैप्टर से था हां क्या मैंग्रोव्स ओशनोग्राफी का नहीं है वो ओशनोग्राफी नहीं है ओशनोग्राफी में ओशन करेंट आते हैं टाइड्स आते हैं एक भी क्वेश्चन था नहीं था जबकि हमने सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक से सो हमें एग्रीकल्चर रिसोर्स मिनरल्स वाले चैप्टर ड्रेनेज सॉयल और क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी so, न्यूज so, में चल रहा है उसको बहुत अच्छे से त्यार करना है ये पता चल गया थीम सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी फर्स्ट मैप सेकेंड एनसीआर टी थर्ड ऑल द करंट न्यूज एंड फोर्थ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी इन द लास्ट फाइव इिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी ओके एनी क्वेश्चन एनी थिंग यू कैन आंस कुछ भी आ रहा हो दिमाग में ये पूछ लेना चाहिए तो यू कैन आंस एटलस को देखो सबसे पहले आप पेज नंबर सेवेंटी सेवन सेवेंटी सिक्स जो आपके ओरियन ब्लैक स्वान में उसमें जाइए वर्ल्ड मैप का एक आइडिया लीजिए ओवरव्यू व्यू कॉन्टिनेंट्स का लीजिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप कहाँ से कहाँ तक है अफ्रीका यूरेशिया ओशंस कहाँ हैं दिस इज योर ओवरव्यू उसके बाद कम टू अ सेपरेट कॉन्टिनेंट स्टार्ट विथ योर कॉन्टिनेंट एशिया एक दिन में नहीं होगा सी वेयर इज द कंट्री कजाकिस्तान किधर है इंडिया किधर है वॉट इज द डिस्टेंस अच्छा इतना डिस्टेंस है इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हमारा डीलिंग्स uh, नहीं है वी हैव वी आर मेन कंसर्न विद चाइना इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका मॉलिवस इमीडिएट नेबर है साउथ अमेरिका को देखो कितने दूर है उधर आपका लिथियम है ठीक है अब उधर आपका कोई दुश्मन भी है जो ले रहा है उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर है इंडिया की लोकेशन को देखो ट्राई टू विजुअलाइज द लोकेशन अच्छा ये वाला रास्ता है जो साउथ अमेरिका तक जाएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए ओके दिस इज द वाटर बॉडी ये स्ट्रेट ये कनाल हम यूज करने वाले हैं तो वहीं तीन चार चीजें लर्न हो जाएगी समझ में आ रहा है एक एक कॉन्टिनेंट को आराम से देखो एशिया देख लिया तो दोबारा एशिया नहीं देखेंगे ऐसा नहीं ओके तो डेली का प्रैक्टिस करो कि टेन मिनट्स किसी भी कॉन्टिनेंट किसी भी इंडिया का एरिया को देखो एंड ओरियन ब्लैक स्वान की एक अच्छी बात है स्टेट्स बहुत अच्छे से बताए हुए हैं जैसे आप कोई भी स्टेट खोलते हो उसके फिजिकल फीचर्स पॉलिटिकल फीचर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं मैप में सो वंस वी बिगिन विद द क्लास तो आई इफ यू ब्रिंग द एटलस आई विल टेल यू हम साथ साथ करेंगे भी हर लोकेशन वी विल प्रैक्टिस एवरीथिंग वी विल डू मतलब जिसके बारे में भी हम बात करेंगे आई विल मेक यू सी द एटलस आल्सो बट टिल दैट टाइम व्हाट इज योर वर्क इज टेक एन ओवरव्यू एट लीस्ट स्टार्ट ओके सो हो जाएगा इतना कोई टफ नहीं है बट ये मत सोचना कि दस दिन में मुझे पूरा रट लेना नहीं होगा फिर इट्स अ प्रोसेस डेली देखते रहना एंड वो वर्ल्ड मैप जो आपने लगाई हुई है या लगाओगे अपने वॉल पे उसके सामने टेन मिनट खड़े रहना है मैडम ने नेहरू भी बोला आपको यू का हेड क्वार्टर किधर है ये केनिया और इतने इंडियंस क्यों बसे हैं केनिया में लोकेशन देखो और इंडिया और केनिया की पता करो बीच में कौन सा वाटर बॉडी है कितना आसान है जाना मैडम इंडियंस आपको ब्राज़ील में बहुत कम मिलेंगे क्यों मिलेंगे लोकेशन देखो ब्राजील की मैडम इंडियन लंडन कैसे पहुंच गए कॉलोनाइजेशन था प्लस स्वेस कनाल हेल्प करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे हर कुछ का आंसर मैप पे देख, इस तरह एनी अदर क्वेश्चन वर्ल्ड में इंडिया पॉइंट करने में प्रॉब्लम होती है यस yes, यस yes, होती है हाँ hmm. बेसिन में इसलिए प्रॉब्लम होती होगी ट्रिब्यूटरीज सिर्फ नाम याद किए हैं ट्रिब्यूटरी और कहाँ ज्वाइन कर रही है ये नहीं देखा जैसे छोटा सा हमने लिया था रिवर कृष्णा रिवर कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में बहुत छोटे से एरिया से गुजर के कर्नाटका एंटर करके आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर से चलती है उसी रिवर ने बॉर्डर बनाई है इतना पता है हमको उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद है गटप्रभा मलप्रभा तुंगभद्रा भीमा लेकिन वो आ कहाँ से रहे ये याद नहीं है इसलिए उसका बेसिन नहीं पता चलता तो कृष्णा का जो बेसिन है वो घटप्रभा मलप्रभा तुंगभद्रा भीमा के रिवर के बेसिन पे भी आना चाहिए तो एक महाराष्ट्र और कर्नाटक का दोनों स्टेट आएंगे उस बेसिन में और तेलंगाना वो तो आएगा ही क्योंकि उनकी बॉर्डर वो बना तो वॉट आई मीन टू से इज वेन यू प्रिपेयर फॉर एस एस सी और सी डी एस और सी ए पी एफ दीज एग्जाम्स उतनी नॉलेज चल जाएगी जितनी अभी तक थी बट जो क्वेश्चन आपने पूछा उसके बाद की जो नॉलेज है वो क्लैरिटी बन जाएगी देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन और इतना टफ नहीं है बहुत फायदा मिलता है मेरे दूसरे पेपर्स में इससे मतलब जब आप हिस्ट्री के आंसर्स या इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर या किसी पॉलिसी का आंसर लिखोगे ना एंड मैन यू गिव दि शॉर्ट एक्जाम्पल्स कहीं बीच में लिख के चले गए उसको अंडरलाइन कर दिया दिस विल गिव यू द ब्राउनी पॉइंट बिकॉज दैट मेक्स द एग्जामिनर अंडरस्टैंड दैट वॉट डेप्थ यू आर कैरिंग इन योर नॉलेज ऊपर ऊपर की लाइनें तो सभी लिखेंगे बट आपने नामचे बरवा को चाइना भी मेंशन कर दिया एंड ओनली वर्ड भी लिख दिया तो ही विल नो द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज So this you need to से लिखे? पी एक शाम कितना टाइम लगना चाहिए वैसे तो छ से सात मिनट लगना चाहिए अभी इस स्टेज में आपको से, uh, से हाफ एन आवर भी लग सकता है तो लिखो ना हाफ एन आवर सुबह हाफ एन आवर शाम को वो टर्म्स आएंगे वो टर्म्स का अगर मतलब क्लिक नहीं करेगा तो बुक में जाके देखोगे या गूगल पे देखोगे जितनी बार देखोगे उतने बार प्रैक्टिस में आएगा लग ही रहना है लेकिन और एनी अदर क्वेश्चन बस यू कैन आस्क एनीथिंग और भी कुछ दिमाग में तो यू कैन आस्क कैन क्लियर योर डाउट एनसीआरटी पढ़ लो सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से एनसीआरटी पढ़ लो। 6 to 10 तो पढ़ ही लो इलेवन ट की ज्योग्रफी की एनसीआरटीज जरूर पढ़नी है 100%, 100 पढ़नी है है पर पहले 6 to 10 की पढ़ लो Physical है, एक इंडिया है एक ह्यूमन डेवलपमेंट हैफी चार एनसीआरटीज है इलेवेंथ टू ट मिला के चारों पढ़नी है देखो वो चार पढ़ लेंगे ना तो मिनरल सोशल वो सेंसस पॉपुलेशन सब कुछ आ जाएगा एक ओवरव्यू मिल जाएगा उसके बाद जो क्रैश कोर्स में क्लासेस होंगी करंट अफेयर का अपडेशन तो सतर्क रहना है, है।, है उससे और क्या पता लग रहा है वो ध्यान देना है इंटर रिलेटेड है टॉपिक्स क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से करी ना तो इंडिया का वेजिटेशन सॉयल कुछ भी नहीं है एक दिन में कर लोगे फिजिकल जोग्राफी अच्छे से करी मतलब जियो तो ये नो का डिस्ट्रीब्यूशन और क्विक का डिस्ट्रीब्यूशन एक आधा दिन का भी खेल नहीं जब पता ही लग गया कि मैडम यहाँ कन्वर्ज हो रही है बेल्ट तो ये सारे एरिया ही अर्थ वाले ये सारे एरिया में हो रहा है तो वाले विल बी इनवाइटिंग द फैक्चुअल नॉलेज बिल्ड करना है तो फैक्चुअल आ और वो स्पेसिफिक के लिए इंडिया का मैप अच्छे से देखना है ओरियंट ब्लैक स्वान में पेज नंबर ट्वेल्व से लेके पेज नंबर सेवनटीन तक सिर्फ इंडिया का ओवरव्यू है बहुत अच्छे से है स्टेट का बॉर्डर अपने पेन से बना लेना और देखना कहाँ से क्या रिवर रही है बाकी हम करेंगे सब थोड़ा एन टी अच्छे से करटिनेंट में अफ्रीका अच्छे से आना चाहिए अफ्रीका यूरोप एशिया सारी देखो न्यूज यहाँ जनरेट हो रही है साउथ अमेरिका से इंडिया का डीलिंग सबसे कम है तो और उसमें कुछ है भी नहीं आधे घंटे में साउथ अमेरिका हो जाता है अभी मैं आपको करवा सकती हूँ खड़े होकर ये ट्राइंगल बना लो दिमाग में दिस इज द ट्राइंगल ठीक है ट्राइंगल में ऊपर चार कंट्री बैठाएंगे क्योंकि बड़ी जगह है नीचे तीन आएगी फिर दो फिर एक बस हो गई साउथ अमेरिका कंप्लीट और इतने ही कंट्रीज हैं ऊपर वेनिजवेला कोलंबिया इथोपिया सॉरी व्हाट uh, इज दैट ई वाला e इक्वेडोर गेबोन गेबॉन इज इन अफ्रीका नहीं नीचे आओ ब्राजील है इधर इधर आपका पेरू ठीक है पेरू से नीचे बोलीविया फिर ये साइड में आओगे एक तरफ अर्जेंटीना एक तरफ चिली और बीच में वो उरू घुए फुटबॉल देखते हो सारे फुटबॉल टीम्स है साउथ अमेरिका जो फुटबॉल लवर्स है उसका साउथ अमेरिका जल्दी हो जाता है जो क्रिकेट लवर्स है उनका वेस्ट इंडीज अफ्रीका और एशिया जल्दी हो जाता है तो सारे फुटबॉल टीम्स के नाम साउथ अमेरिका ठीक है तो वर्ल्ड मैप इस तरह देखना है जैसे मैंने अभी आपको बताया एक ट्राइंगल है तो वो मैंने इमेजिन कर लिया उस हिसाब से मैंने बोल दी कंट्रीज फटाफट वैसे कुछ अपने माइंड मैप बना लेना छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ देखो वेस्ट एशिया याद नहीं होता जैसे लोगों को फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया में कंट्रीज हैं फोर्टीन प्लस वन प्लस वन क्यों क्योंकि वो कंट्री प्रॉपरली रिकोगनाइज नहीं है यूएन से साइप्रस पॉलिटिकली वो यूरोप में आती है फिजिकली वो एशिया का पार्ट है ठीक है तो हम एक बनाएंगे इस तरह डब्बा डब्बे को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे वन टू थ्री ऊपर वाली कंट्री है टर्की तीन कंट्री है ईरान इराक सीरिया सीरिया के नीचे एक और डब्बा जॉर्डन जॉर्डन के साइड में एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल रेक्टेंगल में लेबनान और ट्राइंगल में इजराइल कितनी कंट्रीज हो गई सेवन इस सेवन को क्या बोलते हैं मिडिल ईस्ट ऐसे याद करो माइंड मैप्स तो टर्की अंकारा ईरान तेहरान इराक बगदाद, सीरिया जॉर्डन अमान, लेबनान बेरूत, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जहाँ से काम धंधा चल रहा है लेकिन रियल कैपिटलम जहाँ बम गिरते हैं बम गिरते हैं इसीलिए काम धंधा तेल अवीब से चल रहा है ओके okay? और इसी का कनेक्शन अफ्रीका से बनेगा जो न्यूज में चल रहा है कनाल, तो ये लोकेशन नहीं पता होगी तो अफ्रीका की नॉर्दर्न कनेक्ट बना ही नहीं पाओगे तो वेस्ट एशिया का मैप देखना है और की बात क्यों अच्छी है? वेस्ट एशिया so को अगर कंप्लीट करना है तो इस तरह बनाएंगे कुरेन कतर यमन बीच में सऊदी अरेबिया

सारा ऑयल का जो वॉर है यहीं से है ना ऊपर वाले शिया मुस्लिम हैं नीचे वाले सुन्नी मुस्लिम शि... सारे शिया नहीं है ये जिय है ईरान तो प्रॉपर शिया है पूरी दुनिया की लड़ाई इस बात पे है श... नहीं तुर्की भी शिया डोमिनेटेड है डोमिनेटेड मतलब तो पॉपुलेशन ज्यादा शिया की है सुन्नी की कम है और यहाँ तो नाइनटी परसेंट से भी ज्यादा पॉपुलेशन सुन्नी की है

सो so बाइडन चले गए वापस तो पता चलता है डायनेमिक्स चेंज हो गई है क्यों क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर में पूरी दुनिया ने यूएसए के डीलिंग का तरीका देखा है दे डू नॉट हेल्प इन 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 द एंड वी वी हैव ऑल सीन दैट दैट अफगानिस्तान आल्सो आल्सो आर सीइंग यूक्रेन अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है तो इन कंट्रीज को भी पता है आने वाले दिनों में जब तेल के खदान खत्म हो जाएंगे वॉट इज द नेक्स्ट थिंग टूरिज्म अमेरिका तो इसलिए दे रहा है ना क्योंकि अमेरिका के हाथ से ये जा रहे हैं बोला आपको क्या होते हैं सिक्स बिलियन डॉलर पूरी कंट्री तो आपने खराब कर दी नहीं न्यूज अमेरिका की तो सारी न्यूज ही है दिया होगा पैसे दे रहे हैं लेकिन वॉर को सॉल्व नहीं कर US, छोटा सा बात सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी चाइना के साथ डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है रशिया के साथ डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है

देखो ये आपका रेड सी है ये नीचे अरेबियन पी है और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है तो एक ऐसी लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरी है क्या बोलते हैं उसको पेनिनसुला दिस so इज द अरेबियन पेनिनसुला एग्जाम में पूछेंगे अरेबियन पेनिनसुला में कौन सी कंट्रीज है कैसे बताओगे ये कंट्रीज है कुवैत बहरीन कतर यूएई ओमान यमन सऊदी ऐसे तो बोलेंगे ना कब बोलेंगे इतने फटाफट -फट? जब मैप पता होगा तब दूसरी बात कितने आसानी सी है इधर लैंड आ जाता है फिर ये रेड सी है पतला सा इधर अफ्रीका आ जाता है इसका मतलब शैलो सी है डेप्थ नहीं है डेप्थ अगर नहीं है तो क्या होता पेट्रोलिय। पेट्रोलिय। है पेट्रोलियम इसीलिए सारी पेट्रोलियम रिच कंट्रीज है शेल्फ के ऊपर है सारी कंट्रीज तो कैसे समझा पा रही हूँ मैं इतनी बातें आपको मैप से ओके आई होप माई पॉइंट इज क्लियर एवरी थोड़ा पढ़ लो अच्छे से और डाउट्स लेकर आना खूब सारे तो डिस्कशन में मजा आता है एंड एक डाउट से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते ओके सो विल कॉल डे टू डे थैंक यू